हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे थे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में हमने कंप्लीट किया है अभी तक सीमेंट और लाइम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोर्टार। लाइम में हमने क्या देखा था, लाइम हमारा बाइंडिंग मटेरियल, उसे हम कैसे ऑब्टेन करते हैं लाइम स्टोन से, कैल्सिनेशन के थ्रू, उसके बाद स्लेकिंग होती है, स्लेकिंग के बाद फिर कार्बोनेशन होती है, और कार्बोनेशन के बाद फिर से हमें लाइमस्टोन मिल जाता है। ये टोटल एक साइक्लिक प्रोसेस है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइम हमने देखा था, उसमें क्या क्या होती है, क्ले होते हैं, सॉल्यूबल सिलिकेट्स होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, ठीक है, कितने तरह की लाइम होती है, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, पुअर लाइम। फैट लाइम इज़ ऑल्सो नोन एज रिच हाई कैल्शियम वाइट लाइम, जिसमें 90-95% हमारा क्ले होता है, और सॉरी 90-95% हमारा लाइम रहता है और 5-10% हमारा क्ले होता है, ठीक है। इसे फैट लाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाती है 2-2.5 टाइम्स आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर। ये प्लास्टरिंग और वाइट वाशिंग के लिए यूज़ होता है। हाइड्रोलिक लाइम जो है उसे वाटर लाइम भी कहते हैं, क्योंकि उसकी वो हमारा वाटर के अंडर वाटर सेट कर जाता है। इसे डैम्प जहाँ रहता है वहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्लेकिंग प्रोसेस, सोज नो स्लेकिंग होता है उसके बाद, सॉरी ये हमारा स्लेकिंग प्रोसेस नहीं सो करता है, दैट इज़ सो इट सोज नो स्लेकिंग। उसके बाद तीसरा हमारा जो टाइप्स था वो पुअर लाइम था, जिसे हम इम्प्योर और लीन लाइम भी कहते हैं। लीन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस क्वालिटी ऑफ लाइम रहती है, ठीक है। वेर एवर वी यूज़ द वर्ड लीन, दैट मीन्स लेस क्वान्टिटी ऑफ समथिंग। ये मडी कलर पोजेस करता है। उसके बाद इसमें क्या है, ये और इसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये अंडर वाटर और जल्दी सेट कर जाता है, ठीक है। इसे हम इन्फीरियर वर्क में यूज़ करते हैं, ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन, ये सब जगह में यूज़ करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे मोर्टार के बारे। चलिए हम देखते हैं व्हाट इज़ मोर्टार। तो मोर्टार हमारा क्या है, ये मिक्स है बाइंडिंग मटेरियल विथ एडल्टरेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पेस्ट है जिसे हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसे हम ऑब्टेंड कैसे करते हैं, वाटर विथ मिक्सचर ऑफ सीमेंट और लाइम एंड एग्रीगेट्स लाइक सैंड और समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड आती है, वन इज़ मैट्रिक्स एंड अनदर इज़ एडल्टरेंट्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज़ बाइंडिंग मटेरियल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, ठीक है, मोर्टार। और एडल्टरेंट क्या होता है हमारा, एडल्टरेंट इज़ एग्रीगेट्स यूज्ड, ठीक है, जिसे मैट्रिक्स के साथ यूज़ करते हैं वो हमारा एग्रीगेट, उसे हम क्या कहते हैं, एडल्टरेंट। ओके, तो यहाँ एडल्टरेंट के रूप में हम किसे यूज़ करते हैं, सैंड को। तो ये हमारा एक स्लाइड है, इसे आप पढ़ लेना। एडल्टरेंट हमारा कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, वेल ग्रेडेड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी प्रेजेंस ऑफ साल्ट, ऑर्गेनिक कॉन्टेंट एंड वेजिटेटिव मैटर, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है, सड़ने लगता है, तो हमारे मोटार को ये मोटार का स्ट्रेंथ जो है हमारा कम कर देता है। ओके, और मोटार क्या होनी चाहिए, मोटार हमारी मोटार अच्छी होनी चाहिए जो आराम से स्प्रेड की जाए, लाइक जैम जैसे हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट हम इसे स्प्रे भी कर सकते हैं, इसे किसी नोजल के थ्रू पास भी करवा सकते हैं। और दो चीज़ यहाँ पे है, फर्स्ट इज़ मोटार एंड सेकेंड इज़ कंक्रीट। मोटार एंड कंक्रीट में डिफरेंस क्या होता है, मोटार में सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, और कंक्रीट में हमारा सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, एंड प्लस एडिशन विथ क्या होती है, कोर्स एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। मोटार को हम ग्राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ग्राउटिंग मतलब क्या, फिलिंग क्रैक्स, स्मॉल क्रैक्स, या फिर कहीं पे हमें कोई स्मॉल क्रैक है उसको जाम करना हो तो उसके लिए हम मोटार का यूज़ करते हैं। आगे हम आपको दो पिक्चर दिखाएंगे जिसमें गनीटिंग और ग्राउटिंग के बारे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मोटार में कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, उसकी क्या फंक्शन है, जैसे सीमेंट और लाइम। तो सीमेंट और लाइम के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या है, एक बाइंडिंग मटेरियल, तो ये बाइंड करने में हेल्प करेगी। सेकंड क्या है, सैंड। सैंड क्या होती है, ये श्रिंकेज को कम करती है। श्रिंकेज कैसे कम, अगर हम सिर्फ सीमेंट लेते हैं तो सीमेंट हमारा मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन देगा, जिसके कारण हमारा क्रैक्स डेवलप होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंकेज को कम कर देती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सीमेंट हमारा उतना स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके बीच हमारा वॉइड्स नहीं होता, वॉइड के कारण जो हमारा सरफेस एरिया कम हो जाता है, अगर वॉइड नहीं रहता है तो हमारा सरफेस एरिया कम हो जाता है। लेकिन सैंड के आने से क्या होता है, हमारा वॉइड डेवलप होगा, वहाँ पर सर्फेस एरिया बढ़ जाती है, सर्फेस एरिया बढ़ जाती है, बल्क डेंसिटी भी बढ़ जाती है, और उसके साथ हमारा स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ आवर सुर्खी। सुर्खी हमारा क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोलोसिटी। हाइड्रोलोसिटी के हमने बारे पढ़ा था कि हाइड्रोलोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग अंडर वाटर, ठीक है।
और ये इकोनॉमिकल भी होता है। उसके बाद हम मोलासेस और गुड़ यूज़ करते हैं, मतलब स्वीटनर एक तरह का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ऐसा नहीं हो कि कहीं वॉल पे सीमेंट चढ़ा रहे हैं और सीमेंट के बाद वो मेल्ट, मतलब एक मेल्टिंग प्रोसेस जैसा हो के वो नीचे सेट हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम अगर वॉल पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो वॉल पे ही एडहेसिव की तरह चिपके रहे, इसके लिए हम मोलासेस या गुड़ यूज़ करते हैं जिसे स्वीटनर भी कहते हैं, ताकि वो चिपका रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सैंड इन मोटर। फंक्शन सैंड का मोटर में क्या फंक्शन होता है? ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये आप पढ़ लीजिए। इकोनॉमिकल होता है, श्रिंकेज को कम करता है, हमने अभी बताया था सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, श्रिंकेज हमारा कम हो जाता है, बल्क डेंसिटी इसकी इंक्रीज कर जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स, कितने तरह के मोटार होते हैं। तो मोटार को हम बेसिकली तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं, किस किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम अप्लाई करते हैं। तो ब्रिक में यूज़ करेंगे तो ब्रिक टाइप मोटार हो जाएगा, फिनिशिंग के लिए यूज़ करेंगे तो फिनिशिंग मोटार हो जाएगा, और कुछ हमारे स्पेशल मोटार होते हैं जिसे हम एक्वेस्टिक, एक्सरे, सील्डिंग, प्लगिंग, कंक्रीट, ये सब चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आवर क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार, जो हमने अभी देखा, और उसके हम फर्स्ट टाइप को देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। मटेरियल के बेसिस पे हमारे मोटर कितने तरह के होते हैं। अगर सीमेंट के साथ हम मोटर को बना रहे हैं तो हमारा सीमेंट मोटर हो जाएगा, लाइम की क्वांटिटी ज़्यादा है तो लाइम हो जाएगा, सुर्खी है तो सुर्खी मोटार हो जाएगा, जिप्सम के साथ जिप्सम मोटार हो जाएगा, और एक हमारा होता है सीमेंट और लाइम मिला के जो हम बनाते हैं उसे हम कहते हैं गॉज्ड और कंपोजिट मैटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गॉज्ड मोटर क्या होती है, तो गॉज्ड मोटर हमारी क्या होती है, सीमेंट और लाइम के साथ जो हम मिला के बनाते हैं, दैट वन इज नोन एज गॉज्ड मोटर। ओके, अब बल्क डेंसिटी के बेसिस पे दो तरह की मोटर होती है, एक 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से ज़्यादा जो जिसकी बल्क डेंसिटी होती है, दैट वन इज़ नोन एज हैवी वेट मोटर, और जो इससे लेस होती है उसे क्या कहते हैं, लाइट वेट मोटर। ठीक है, नॉर्मल बल्क डेंसिटी मोटर की कितनी होना चाहिए, 18 टू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन इज़ आवर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में जैसे हम यूज़ करते हैं उस टाइप के हमारे मोटर, उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे होती है, यहाँ मेगा पास्कल के रेंज में हम देखते हैं, तो अगर 10.5 मेगा पास्कल से बड़ा है तो दैट वन इज़ नोन एज H1, 6 to 7.5 है तो H2, ठीक है, 3 to 6 है तो M1, एंड 2 to 3 है तो M2। नेक्स्ट वन इज़ आवर M3 जो है 1.5 मेगा पास्कल के रेंज में है तो दैट इज़ M3। फिर हमारा होता है L1 L2, ये 0.7 एंड 0.5 के रेंज में होती है। स्पेशल टाइप ऑफ मोटर लाइक रिफ्रैक्ट्री मोटर इज़ मेड यूजिंग हाई एलुमिना सीमेंट विथ क्रस्ड पाउडर ऑफ फ्री ब्रिक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी क्वालिटीज, गुड क्वालिटी ऑफ मोटर क्या होती है, तो गुड क्वालिटी क्या होनी चाहिए मोटर की, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि समय बीत रहा है और हमारा मोटर जो हो रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, नहीं, वो विथ टाइम डेटोरिएट नहीं होना चाहिए। शुड कैरी सफिशियंट अमाउंट ऑफ लोड, चीप होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए कि हम इसे मास यूज़ में ला सकें। ठीक है, इसकी वाटर पेनिट्रेशन रजिस्टिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसमें वाटर पेनिट्रेट होने के बाद वो लेयर बाई लेयर ख़राब होता जाए। ठीक है, ईजिली वर्केबल भी होना चाहिए, हेल्प्स इन ऑटोजेनियस हीलिंग ऑफ क्रैक बाई सीमेंट लाइम मोटर। ठीक है, इट शुड बी प्रॉपर एडहेसिव, मस्ट हैव हाई डिज़ाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस होनी चाहिए जैसा अभी हमने बताया, शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई अदर कॉम्पोनेंट। ठीक है, शुड बी वर्केबल एंड ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल, इस ताकि हम इसे मास यूज़ में ला सकें। नेक्स्ट वन इज़ आवर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमारी मोटर कितने तरह की, ऑन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमें मोटर कैसे बनाना है। ठीक है, पॉइंटिंग के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा सीमेंट मोटर यूज़ करेंगे, वहाँ 1:1 रेशियो में, मतलब अगर वन पार्ट सैंड ले रहे हैं तो वही वन पार्ट हमें सीमेंट भी लेना है, या फिर 1:2 के रेशियो में भी ले सकते हो। DPC डैम प्रूफ कोर्स के लिए, या फिर पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए 1:2 ले सकते हैं, प्लास्टरिंग और ग्राउंडिंग के लिए 1:3 या 1:4 ले सकते हैं, अगर लाइम मोटर लेना है तो 1:2 हम लेंगे। ठीक है, नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए 1:4 1:6 वन पार्ट अगर हमारा सीमेंट है तो 4 पार्ट सैंड होना चाहिए, 1 पार्ट अगर हमारा सीमेंट है तो 6 पार्ट हमारा
क्या होना चाहिए, सैंड होनी चाहिए ठीक है मैसनरी यूज़ के लिए, और लाइम अगर वन पार्ट हमारा सीमेंट है तो टू पार्ट लाइम होनी चाहिए। इसी तरह ग्राउंडिंग क्या, ग्राउटिंग सॉरी, ये दिस वन इज़ ग्राउटिंग नॉट ग्राउंडिंग। ग्राउटिंग हमारा क्या होता है, फिल वॉइड्स, वॉइड्स को हम छोटे छोटे क्रैक्स को हील करते हैं जो अपने मोटार से, उसे हम कहते हैं ग्राउटिंग। उसके बाद गनेटिंग, गन प्लस एटिंग ठीक है, टू फिल द मोटर थ्रू प्रेशर, एक गन के तरह होता है, गन से हम प्रेशर देके अपने मोटर को अप्लाई करते हैं किसी सरफेस पे। इसकी पिक्चर हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा गनेटिंग प्रोसेस है। गनेटिंग प्रोसेस क्या है, ये एक गन है, गन के थ्रू हम इसके सरफेस पे मोटर को अप्लाई करते हैं। इससे हमारा क्या होता है, मोटर जो हमारा होता है लास्ट लेयर तक भी पहुंच जाता है, और इसमें जो मतलब मोटे जो एग्रीगेट्स होते हैं वो फिर बैक पुश होके फ्रंट पे आ जाते हैं, फिर से हम दोबारा उसे देते हैं। तो इससे हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर जाती है, पूरे बैक लेयर तक हमारा मोटर चला जाता है, अच्छे से फिल हो जाता है। ये हमारा गनेटिंग प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट वन इज़ आवर ग्राउटिंग प्रोसेस, दिस वन इज़ ग्राउटिंग प्रोसेस। ये देखिए स्मॉल स्मॉल जो क्रैक्स होते हैं, सॉरी क्रैक्स हो या फिर वॉइड्स हो, इससे हम फिल करने के लिए गनेटिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जैसे हम टाइल्स में यूज़ करते हैं, या फिर कोई पिलर लगा हो लाइक दिस, कोई पिलर लगा हो इसके बेसमेंट में, अगर हमें सीमेंट यहाँ फिल करना है तो वी विल यूज़ द ग्राउटिंग प्रोसेस। थैंक यू। तो ये हमारा आज का लेक्चर था मोटर के बारे। नेक्स्ट बार जब भी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ टर्म्स टर्मोनोलॉजीज़ रिलेटेड टू टिम्बर, टिम्बर के बारे देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं ठीक है। और मैंने एक चीज़ बताया नहीं आपको, इफ़ेक्ट किसी चीज़ का इफ़ेक्ट मोटर पे क्या होनी चाहिए वो भी हमें देखना है। जैसे अलकली हो, कहीं सी वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए मोटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा सी वाटर, जब अगर हम लाइम कंक्रीट लाइम मोटर लेते हैं तो जब हमारा सी वाटर उससे रिएक्ट करेगा तो वहाँ से लाइम को तो बिल्कुल वो बर्बाद ही कर देगा, क्योंकि लाइम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है उन सब चीज़ों से ठीक है, कार्बोनेट से या फिर सल्फेट से, वो हमें ध्यान में रखना है। फिर इफ़ेक्ट ऑफ ऑयल एंड एसिड, कहीं ऑयल वाला जगह है वहाँ पे हमें मोटर यूज़ करना है तो हमें प्रॉपर मोटर यूज़ करना होता है, नहीं तो लेयर बाय लेयर फिर वो हमारा उखड़ते जाता है मोटर। वहाँ पे पीएच का ध्यान रखना है कि पीएच शुड बी लेस देन 7, तो लाइम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम सीमेंट एंड स्ट्रेंथ इज़ रिड्यूस्ड, अगर हमारा पीएच 7 से लेस होगा तो। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक फर्स्ट वन इज़ आवर फ्रीजिंग एंड सेकंड वन इज़ आवर थॉविंग। तो हम जब मोटर यूज़ करते हैं जो हमारा टेम्परेचर अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस से हमारा कम होता है तो वहाँ पे फ्रीजिंग और थॉविंग प्रोसेस हम देखते हैं। हमारा टेम्परेचर अगर फॉल करता है तो मोटर जो यूज़ करते हैं उसमें वाटर हम यूज़ करते हैं, वाटर हमारी क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। फिर जब हमें टेम्परेचर उस मोटर को मिलता है, मान लीजिए सनराइज़ हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाती है, वो वाटर वहाँ का मेल्ट कर जाता है, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज थॉविंग। उससे क्या होती है, एक बार वो फ्रीज़ कर रहा है, एक बार वो मेल्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ हमें बिल्कुल अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो यहाँ जो स्ट्रेंथ हमें अचीव होती है वो हाफ द नॉर्मल स्ट्रेंथ हमें अचीव होती है, इससे क्रैक्स भी डेवलप कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान करके मोटर बनाना होता है ठीक है। थैंक यू।